अच्छा कौन सी क्लास तक पढ़ी हो? आठवीं तक। तो ये बताओ, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई जब ढंग से नहीं होगी, जब पढ़ोगी नहीं तो शादी कैसे अच्छी से होगी? लड़कियाँ भी पढ़ी लिखी जब रहती है तभी शादी होती है, हो जाएगी। अभी आवाज स्लो क्यों हो गया? अभी तो बढ़िया से बोल रही थी कि उनकी सरकार कब आएगी। अच्छा, राहुल गांधी से पूछना है कि उनकी सरकार कब आएगी। सभी गरीब लोग हैं हम, हमारी कौन सुनता है? क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी होता है आप लोगों को? सभी में दिक्कत है हमारे, खाने पीने में। क्या वीडियो बना रही थी? अच्छा, किस लिए वीडियो बना रही थी? बस ऐसे ही। अच्छा, ये बताओ ज्योति, बड़ा होके क्या बनोगी? पुलिस। पुलिस बनना है? अच्छा, ये बताओ क्या करने आई हो यहाँ पे? राहुल गांधी जी को देखने। पांच लड़की और मेरा कोई भी सुविधा नहीं है। पांच लड़की और कोई भी सुविधा नहीं है? हाँ, और मेरे पति भी नहीं है, मैं खाली रांडी रांड लो गई। चाल बैठी रहेगी, चाल खड़े। क्या करने आई है यहाँ पे? राहुल गांधी का दर्शन करने आए। दर्शन करने आई है? आप सोचिए कि लोग कहते हैं कि हम राहुल गांधी को देखने आए हैं, लेकिन ये लोग दर्शन करने आई हैं। दर्शन तो भगवान का किया जाता है ना? हमारे लिए तो भगवान ही है सर वो। अच्छा, आपके लिए भगवान? सब्सिडी नहीं मिलती है? नहीं मिलती। पैसा जब गैस सिलेंडर आप लेने जाते हो 1100 देते हो तो कुछ पैसे बैंक अकाउंट में वापस नहीं आते हैं? बंद कर दिया। तो भैया, इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश के आगर जिले में हैं और ये आप देख सकते हैं आसपास के गांव की तमाम महिलाएं यहां पे मौजूद हैं जो कि राहुल गांधी को देखने के लिए आई हुई हैं। कहां की रहने वाली हैं आप? सुमराखेड़ी की। अच्छा, ये आसपास में कोई गांव है? हाँ, सुमराखेड़ी। अच्छा, क्या करने आई हैं यहां पे? राहुल गांधी को देखने आई है। राहुल गांधी को देखने आई है, तो देख के क्या करेंगी, मतलब उनसे कुछ कहना है? हमारा कुछ नहीं कहना, अभी तो अपन देख के चले जाएंगे। अच्छा, देख के चले जाएंगे। हाँ, कुछ कहना नहीं है? अबे क्या मिले हमारे, कहना है उनकी सरकार कब आएगी? एक मिनट, क्या कहना है? उनकी सरकार कब आएगी? क्या नाम हुआ दीदी आपका? सीमा। अभी आवाज स्लो क्यों हो गया? अभी तो बढ़िया से बोल रही थी कि उनकी सरकार कब आएगी। अच्छा, राहुल गांधी से पूछना कि उनकी सरकार कब आएगी। अच्छा, और क्या, और कुछ नहीं कहना है? कहना है ना, बताइए ना। जिताएंगे, आप बोलोगे तो जाएगा ना, राहुल गांधी सुनेंगे आपकी बात। हम उनके इधर है, वो उनकी सरकार कब आएगी? अच्छा, मतलब कि आप उनकी साइड में हो और उनकी सरकार कब आएगी? क्यों, मौजूदा सरकार से क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत है कि सभी गरीब लोग हैं हम, हमारी कौन सुनता है? क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी होता है आप लोगों को? सभी में दिक्कत है हमारे, खाने पीने में। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं? यहाँ घर पे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, गैस पन किन के मकान आए किन के नहीं आए, ये वो दिक्कत है घर। कोई नहीं, चूल्हे पे खाना बनता है या फिर गैस सिलेंडर पे? चूल्हे पे भी बनता है, और गैस टंकी कितनी महंगी हो गई, किसी को नहीं याद है कि पैसे कब आएंगे, टंकी नहीं भरे 3-3 साल। और लोगों से बात करते हैं पीछे। इधर आओ, तुम इधर आओ। क्या नाम हुआ? ज्योति। क्या करती हो? कुछ पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में? टेंथ में। क्या वीडियो बना रही थी? हाँ। अच्छा, किस लिए वीडियो बना रही थी? बस ऐसे ही। अच्छा, ये बताओ ज्योति, बड़ा होके क्या बनोगी? पुलिस। पुलिस बनना है? अच्छा, ये बताओ क्या करने आई हो यहाँ पे? राहुल गांधी जी को देखने। क्यों देखना चाहती हो, कुछ कहना है राहुल गांधी से? जी नहीं, वो सभी सामग्री के भाव भी बहुत बढ़ा दिए हैं, और कुछ भी नहीं, वो टंकी भी फ्री में दिए तो क्या हुआ, उसके भी भाव कितने भरवाने के, गरीब सिलेंडर का दाम बढ़वा दिए हैं। हाँ, सभी के भाव बढ़ा दिए हैं, सभी के भाव बढ़ा। दिक्कत है? हाँ, बहुत दिक्कत है। क्या नाम है दादी? कंचन भाई। अच्छा, क्या लगता है, मतलब कि किस लिए आई है यहाँ पे? मेरे को पांच लड़की और मेरा कोई भी सुविधा नहीं है। पांच लड़की और कोई भी सुविधा नहीं है? और मेरे पति भी नहीं है, मैं खाली रांडी रांड लो गई। चाल बैठी रहेगी, चाल खड़े। हट जाओ, दादी को आने दो आगे। क्या नाम हुआ दादी? बसंत भाई। कहाँ की रहने वाली है? मैं बादला की हूँ। अच्छा, क्या करने आई है यहाँ पे? दर्शन करवा। और कई दर्शन, किसका दर्शन करने आई है? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का? अच्छा, और महिलाओं से बात करते हैं, पीछे चलते हैं। चलो, चलो। अभी आप लोग आगे से नंबर लगा ले रहे हो, घेर ले रहे हो। क्या नाम हुआ दीदी आपका? पूजा। पूजा। हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या करने आई है यहाँ पे? राहुल गांधी का दर्शन करने आए। दर्शन करने आई है? हाँ। आप सोचिए कि लोग कहते हैं कि हम राहुल गांधी को देखने आए हैं, लेकिन ये लोग दर्शन करने आई है। दर्शन तो भगवान का किया जाता है ना? हमारे लिए तो भगवान ही है सर वो। अच्छा, आपके लिए भगवान है? भगवान है। क्या कह रही है? आपके हमारे लिए ईद भगवान है।
भगवान है। क्यों भगवान है, क्यों भगवान मानती है? क्यों भगवान है, कितना सामान का भाव बढ़ाई दिया, सब महंगाई बाड़ी कितनी हुई, कैसे जाए गरीब लोग। लेकिन मोदी ने तो सबको गैस चूल्हा बांट दिया है ना, दिया का दिया उनके, महंगी कतरे का महंगाई कितनी है गैस सिलेंडर भरा की। लेकिन सब्सिडी नहीं आती है क्या? सब्सिडी नहीं मिलती है? हाँ, नहीं मिलती। पैसा जब गैस सिलेंडर आप लेने जाते हो 1100 देते हो तो कुछ पैसे बैंक अकाउंट में वापस नहीं आते हैं? बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, नहीं आई रही पैसा, बंद कर दिया। क्या दादी ढलाई पड़ेगा, काम भी नहीं दे हमारे गरीब के लिए तो काम भी नहीं दे। अच्छा, पड़ी पड़ी लड़कियाँ है, बढ़िया लड़का है, तो इसके लिए सुविधा कौन है? कितना कितना पैसा बगाड़ा है सबने, काफी दिक्कत है। क्या नाम हुआ आपका? सपना। सपना क्या करती हो? कुछ नहीं, खेती का काम करते हैं। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती? नहीं, छोड़ दी पढ़ाई तो। क्यों छोड़ दी? कुछ नहीं, न्यूज छोड़ दी घर के। नहीं, पढ़ने का मन नहीं था इसलिए छोड़ दी या फिर अपने से छोड़ दी? पढ़ने का मन नहीं था इसलिए मैंने ही छोड़ी घर का, मैंने नहीं छोड़ी। अच्छा, कौन सी क्लास तक पढ़ी हो? आठवीं तक। तो ये बताओ, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई जब ढंग से नहीं होगी, जब पढ़ोगी नहीं तो शादी कैसे अच्छी से होगी? आजकल तो लड़कियां भी पढ़ी लिखी जब रहती है तभी शादी होती है, हो जाएगी, हो जाएगी, ऐसे आठवीं पढ़ के हो जाएगी। हाँ। चलो भाई, सूर्यवंशिया सब सूर्यवंशिया गरीब लोग हैं। अच्छा, राजपूत लोग हैं? सब सूर्यवंशी चमार। अच्छा अच्छा, हाँ, सूर्यवंशी चमार सब सूर्यवंशी। चलिए, तो ये तमाम महिलाएं जो आसपास की गांव से आई हुई थी, और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी को लेकर ये लोग इंतजार कर रहे हैं, चूंकि टी ब्रेक हुआ है और टी ब्रेक में राहुल गांधी अभी यही बगल में ही कैंप लगा हुआ है जहाँ पे चाय पी रहे हैं, चाय पीने के बाद यहाँ से निकलेंगे, और उन्हीं के इंतजार में तमाम लोग काफी देर से अपनी पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही है, और कुछ लोग तो उनको कह रहे हैं कि हमारे लिए तो भगवान है और भगवान का दर्शन करना है। तो ये पागलपन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपको लोगों का देखने को मिल रहा है। बाकी भारत जोड़ो यात्रा 2024 के चुनाव में कांग्रेस को कितना लाभ पहुंचाएगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना सरदर्द बनेगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग करें आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।